नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएल लाइव और मैं हूं चंदन। बिहार के कद्दावर नेता के तौर पे कहे जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान जब सीवान पहुंचे तो रालोजत के नेता हेमंत सिंह कुशवाहा ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया और उसकी तैयारी किस रूप में हेमंत कुशवाहा ने की यह आप स्वयं देख सकते हैं कि सुपौली अपने गाँव से हेमंत सिंह कुशवाहा सैकड़ों गाड़ियों के काफिले और तमाम लोगों की भीड़ के साथ सिवान छपरा के बॉर्डर पर पहुंचे और वहां पर उपेंद्र कुशवाहा को रिसीव किया। बिल्कुल इस तस्वीर को आप देखिए कि कैसे हेमंत सिंह कुशवाहा अपने समर्थकों को लेकर के और उपेंद्र कुशवाहा को रिसीव करने के लिए निकल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ नमन यात्रा के दौरान अब पूरे बिहार में इनका यात्रा चल रहा है और ये आप तस्वीर देखिए कि गाड़ियों का पूरा काफिला जो कि हेमंत सिंह कुशवाहा सिवान के उभरते चेहरे हैं और ये उपेंद्र कुशवाहा को रिसीव करने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि इनकी पत्नी जो हेमंत कुशवाहा, इनकी पत्नी वंदना कुशवाहा जिला पार्षद भी हैं। तो लगातार आपको हम बता दें कि हेमंत सिंह कुशवाहा जब भी जहाँ जरूरत रहती है सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर रुचि रखते हैं और उपेंद्र कुशवाहा को रिसीव करने के लिए सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ हेमंत सिंह कुशवाहा सिवान छपरा का जो बॉर्डर है वहां पर पहुंचे और ये तस्वीर आप देखिए कि हेमंत सिंह कुशवाहा अपने तमाम समर्थकों को लेकर के और उनकी पत्नी जो पार्षद है वंदना सिंह कुशवाहा वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। हेमंत सिंह कुशवाहा तमाम अपने लोगों को लेकर के पहुँचे हुए हैं जहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा पहुँचे और वहाँ पर जोरदार तरीके से उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत किया और उन्हें रिसीव किया और फिर वो सिवान में पहुँचे। कार्यक्रम का आयोजन जहाँ पर था बिंदुसार में स्वर्गीय चंद्रशेखर जो कि चंदू जी जिनकी हत्या कर दी गई थी उनके समाधि स्थल पर कार्यक्रम था, वो लोग वहाँ पर पहुँचे। तो बिल्कुल हाथों में माला लेकर के फूलों का और स्वागत के लिए हेमंत सिंह कुशवाहा और उनकी पूरी टीम पूरी ताकत के साथ वहां पर खड़ी थी सिवान छपरा का जो बॉर्डर इलाका है और वहां पर जैसे ही इनके नेता उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे तो जोरदार तरीके से उनका स्वागत किया गया। आइए सुनते हैं कि इस मौके पर जब उपेंद्र कुशवाहा आने वाले थे तो स्वागत को लेकर हेमंत सिंह कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। एक लाइव के लिए रिशु के साथ बंटी की रिपोर्ट। और किसको रिसीव करने जा रहे हैं? विरासत बचाओ नमन यात्रा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा पूरे बिहार में हो रहा है, उसी के तहत सिवान की पावन धरती पर स्वर्गीय चंदू उर्फ चंद्रशेखर जी के बिंदुसार उनके समाधि पर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा जी को रिसीव करने के लिए। लीला साहब के पोखरा के आगे टोल टैक्स के पास हम लोग जा रहे हैं। हम अपने समर्थकों के साथ जोशों से हमारे लोग चले हैं, हम उनके रिसीव कर और चंद्रशेखर जी की समाधि पर लेकर पहुंचने का कार्य करेंगे। अपना परिचय दें। हेमंत सिंह कुशवाहा।